Hello guys, welcome back in ManVeer Zone. I'm your partner ManVeer. Today I'm going to react on The Time Travel by Angry Prash. So those aap sab ke suggestion the ki Angry Prash ki new video aa gayi hai, to is par react karo. To aa gaya yaar react karne The Time Travel. Time Travel ke hisab se yaar bhai sahab mere ko bahut hi zyada pasand hai. Main Time Travel मतलब पसंद है, मतलब देखना पसंद है यार. खुद तो कभी जा नहीं सकते क्योंकि ये सारा कुछ है सिर्फ सोच का है कि इस तरीके से कर सकते हैं. मे बी इन द फ्यूचर कर पाएंगे, बट अभी तो टाइम ट्रैवल नहीं हो पाता. बट अभी जो मूवीज़ बनी है वो अमेजिंग है. आज तक की जितनी भी द मशीन होगी या फिर और भी अलग अलग काफ़ी सारी मूवीज़ बनी है, और बाकी अपने यूट्यूबर्स ने भी बहुत सारों ने बनाई है यार. तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें टाइम ट्रैवल में. एंग्री प्रैश ने क्या दिखाया आफ्टर सो लॉन्ग. एंग्री प्रैश पे अपडेट कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. हैवी क्या प्लेन में कहाँ जा रहा है भाई? हम अचानक अफ्रीका क्यों जा रहे हैं? अरे ऐसे ही, मतलब बहुत दिन हुआ कहीं घूमने भी नहीं गए, तो सोचा इस बार अफ्रीका जाते. अरे वाह भाई, आप तो ग्रेट हो. साला चार साल के बाद एक लड़की पटी है, इसके लिए मैं अफ्रीका क्या चांद तक जा सकता हूँ. भाई एक बात बताओ. बोलना. ये प्लेन के टायर तो हवा में. हाँ, फिर अगर ब्रेक लगाया तो प्लेन रुकेगा कैसे? अबे नीचे उतार, प्लेन को नीचे उतार अभी. सर सर क्या हुआ, आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ. तुम लोगों ने हमारी जिंदगी को क्या गोटिया समझ के रखा है क्या, जो हवा में लटकती रहेगी? मतलब मैं समझी नहीं. ये प्लेन को हवा में ब्रेक कैसे लगेगा? यहाँ बुजुर्ग आदमी बैठा है, अगर ब्लैडर बेडर फट गया तो सुसु कहाँ से करेगा वो? सर आप शांत हो जाओ, यहाँ पे टॉयलेट है हमारे प्लेन में. हाँ फिर भी मान लो अगर गलती से सामने से कोई प्लेन आता है तो ब्रेक कैसे लगेगा? सर आप शांत हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होता. अंदर पायलट बैठे हैं, वो संभाल लेंगे. कौन सा माल फूक के बैठा है वो? मैं बिना ब्रेक की साइकिल नहीं चलाता, वो प्लेन चला रहा है. देखो सर आप गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ. नहीं हट, तू ड्राइवर से मिलना है मुझे. भाई ड्राइवर नहीं प्लाईवुड होता है. अरे सर प्लाईवुड नहीं पायलट होता है वो. अबे नुन्नू चाकू पे गिरे या चाकू नुन्नू पे गिरे, कट्टा तो नुन्नू ही है ना. मंजे वागाचे पंजे, ड्राइवर को बुला तू. सर सर आप बैठिए शांति से, मैं बात करती हूँ पायलट से. ठीक है. हाँ ठीक है. हाय माय सेल्फ नागेश नंगे उर्फ नागू. आप टेररिस्ट हो क्या? चलो ये बुड्ढी पकाएगी, मैं दो पेक लगा के सो जाता हूँ. क्या आपको पता नहीं ऐसा चीज करना पाप है? सारी दुनिया करती है, मैंने ऐसा क्या पाप किया? कौन सी संगठन से हो तुम? अखिल भारतीय बेवड़ा किंग मित्र मंडल. क्या? अबे चुप ना बुड्ढी, क्या दिमाग का दही कर रही है बे? साला प्लेन में भी शांति नहीं मिलती. बचाओ बचाओ, ये आदमी बॉम्ब फोड़ रहा है. अरे माना देसी दारू किसी बॉम्ब से कम नहीं, लेकिन देखा देखा इसने बॉम्ब बोला अभी. टेररिस्ट है टेररिस्ट. सब लोग अपने अपने पैराशूट पहन के जंप लगाओ. अबे ये बुड्ढी की मत सुनो, सटिया गई है भोपाली की. मजनू तूने बताया नहीं प्लेन में डिस्को भी चलता है. मजनू चलिए पायलट क्या फुकरे देख के आते. साला किधर भाग गए ये लोग? भाई आप टेंशन मत लो, मैं प्लेन चलाऊंगा. क्या तूने कभी प्लेन उड़ाया? हाँ भाई बचपन में बहुत उड़ाया, वो पेपर वाला प्लेन. क्या? मैं तो निकल रहा हूँ. वो सब पूछ गए. ये क्या कर रहा है? अबे मजनू किधर लेके जा रहा है बे? ओ मजनू ये कौन से जंगल में पहुंच गए हम लोग? भाई गांव लग रहा है कोई, लेकिन ये घड़ी में तो 16th सेंचुरी बता रहा है. लगता है हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच गए. भाई नागू कहाँ चला गया? साला खुसट बुड्ढी ने वाट लगाई मेरे अच्छे से, लेकिन आखिर में जान बचाई मेरे कच्छे ने. शायद वो प्लेन से सुमड़ी में निकल गया भोपाली का. भाई वो देखो वहाँ पेड़ के पीछे कुछ हिल रहा है. हाँ रे शायद कोई हिला रहा है, चल देखते इसकी माँ. ए क्या चल रहा है भाई इधर? आप महाशय कौन हो? भाई इसे पहचाना? ये तो अपना न्यूटिया है. आइज़ैक न्यूटन नाम है हमारा, थोड़ा तमीज से बात करो. तेरी तमीज की कमीज बना के फाड़ के फेंक दूंगा समझा? साला फ्यूचर में तेरे वजह से कितने मासूम बच्चों पे अत्याचार होता है मालूम? मैंने क्या किया है? अरे क्या कुछ नहीं किया, पूछ. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसका लॉ उसका लॉ, दिन भर बैठ के हिलाओ और लॉ बनाओ, कोई और काम धंधा नहीं के तेरे को. और ये पेड़ के नीचे बैठ के कौन हिलाता है बे? और वो भी एप्पल के लॉ ऑफ मस्तुर्बेशन. ये कौन सा लॉ है? अबे इसी लॉ के वजह से फ्यूचर के सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिंदा है, वरना कब के मर जाते तेरे लॉ के चक्कर में. महाशय क्या आपने कभी सोचा है जो एप्पल अभी आपके सर के ऊपर गिरा वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? हाँ, तो उसमें क्या है, ग्रेविटी से, चौथी में सीखा था. अरे आप तो महान साइंटिस्ट हो सर, मुझे आपके चरण छूने सर. ए भाग रे भाग भाग, चरण के नाम पे क्या क्या छुएगा पता नहीं. सर एक बार छूने दो ना सर प्लीज. ए नहीं नहीं नहीं, हट हट हट. मजनू प्लेन निकाल चल. बैठ 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 जल्दी. ये कौन सी मशीन है? ये टाइम मशीन है. इसका इन्वेंशन किसने किया था? ये मेरे राइट वाले ब्रदर ने किया था. तू प्लेन चला ना, चापलूसी करने की आदत जाती नहीं ये साइंटिस्ट लोगों की. ए न्यूटन जा, वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के हिला. एप्पल की जगह नारियल गिरेगा, सबकी जिंदगी सुधर जाएगी. भाई सीट बेल्ट पहन लो. क्यों? अबे मजनू रुक 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 रुक. वापस पहुंच गए.
चलो। हाँ पहुंच गए। चलो अभी न्यूटन का चैप्टर खत्म हो गया। दुनिया के किसी बच्चे को फालतू के लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। भाई एक बार गूगल तो कर लो। हाँ गूगल कर लेता हूँ। Who invented gravity? Prash, इसकी माँ। Who invented time machine? मजनू। भाई माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। न्यूटन invented law of masturbation in 1600. So hey guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको और वो घंटा बजाना मत भूलो जिससे तुम्हें मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। Okay. बाकी मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। I have you. So दोस्तों यार ये थी छोटी सी प्यारी सी वीडियो टाइम ट्रैवल। मुझे लगा उसमें पूरा ड्रामा और ड्रामेटिक हो बट सिंपली वो प्लेन में उड़ रहे थे, ऊपर चले गए सीधा सीधा और सीधा वहां पर चले गए। सर न्यूटन मिले वहां पर, न्यूटन में वहां पर उन्होंने चेंज करवा दिया ग्रेविटी और मैस्टुरबेशन का देख दिया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया लॉ। सही था यार, इस तरीके से होता रहना चाहिए। अगर ऐसा सच में ट्रैवल कर पाए तो कितना मजा आएगा ना। बट ट्रैवल कर नहीं पाते हम, क्यों नहीं कर पाते। मेरे को मैं चाहता हूँ कि ट्रैवल करें यार इस दुनिया से इस दुनिया में, जब पुराने टाइम में। बट पुराने टाइम में चले जाएंगे तो फिर हम हर चीज़ मिस करेंगे, कैमरा ये लैपटॉप ये लाइट ये सब कुछ यार, सब कुछ ही मिस करने वाले अगर चले भी जाए तो। बट फिर वो वाला टाइम भी तो इन्जॉय करेंगे ना। तो यार मेरे हिसाब से अच्छा भी बुरा भी है तो दोनों तरफ का होगा। बट फ्यूचर में जाना बड़ा एक्साइटेड होगा क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ अलग इन्वेंशन मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। तो चलते यार कभी फ्यूचर में, कभी किसी को पता लगे कैसे फ्यूचर में जाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ये बकवास थी बिना बात की। सो दोस्तों यार चलते हैं, फिर मिलते हैं कभी किसी और ही वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। जैसे भाई एंग्री ने बोला। सो यार टिल देन बाय, टेक केयर सेल्फ, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो यार, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको। टिल देन बाय, टेक केयर सेल्फ एंड साइनिंग आउट, बाय।